खतरे में एयर इंडिया। जी हाँ, आतंकवादी खालिस्तानी संगठन के पन्नू ने, सरगना ने भारत के चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर खालिस्तान जिंदाबाद के स्लोगन लिखवा दिए। सिक्योरिटी फेल हो गई, इंटेलिजेंस फेल हो गई और ये कांड हो गया। पन्नू ने यानी खालिस्तान ने पहले ही बायकॉट किया हुआ है एयर इंडिया का और अपने लोगों से कहा है कि एयर इंडिया में सफ़र ना करें क्योंकि उसको हम भूम, जी हाँ, ब्लास्ट कर देंगे या उसको हाईजैक कर सकते हैं। ऐसा पन्नू पहले भी कह चुका है, लेकिन एक बार फिर से वार्निंग दी गई है। कारनामा करने के बाद, बड़ा कांड करने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। भारतीय जांच एजेंसियां इस वक्त एक्टिव हैं, लेकिन बुरी तरह से खतरा बढ़ चुका है क्योंकि जो एयरपोर्ट पर इतना बड़ा कांड करवा सकता है वो संगठन खुद कह रहा है कि जो भी खालिस्तान के हमारे अपने लोग हैं वो एयर इंडिया से सफ़र ना करें। जाहिर सी बात है, इस वक्त खालिस्तान भारत के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है। वहीं मेरे दोस्तों, अब अगली बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। WHO ने वार्निंग दी है कि ये जो अफगानिस्तान के लोगों को ज़बरदस्ती पाकिस्तान निकाल रहा है, इससे बीमारियां अफगानिस्तान में फैलेंगी क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो बुरी तरह से बीमार हैं, उनको भी ज़बरदस्ती पाकिस्तान निकाल रहा है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मुसीबत बढ़ सकती है। वहीं भारत की बात करें तो भारत अपनी ताकत बढ़ा रहा है और भारत की ताकत बढ़ ही जाएगी अब, क्योंकि अब जो छोटे फाइटर जेट के इंजन हैं वो भारत अपने ही देश में खुद बनाएगा, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होगा, जिससे वो अपने फाइटर जेट, मिनी फाइटर जेट के और ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा सकता है जिससे भारतीय वायुसेना और मजबूत होगी। मिडिल ईस्ट में दोस्तों अमेरिका का जो प्रभाव है, इफ़ेक्ट है, वो काफ़ी कम होने वाला है, काफ़ी ख़त्म सा हो जाएगा। कैसे? इसमें भारत का अहम रोल है। अमेरिका के लिए ये ज़ोरदार तमाचा है दोस्तों। SU-57 एडवांस फाइटर जेट जो रशिया बना रहा है, उसके साथ भारत भी हाथ मिला चुका है और UAE पहले से इन है, यानी तीन देश, रशिया, भारत और UAE मिलकर SU-57 एडवांस फाइटर जेट बनाएंगे, जिसके बाद पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका का प्रकोप कम हो जाएगा। बात करें अब दोस्तों फ्रांस की, बिना रुके तो फ्रांस ने खतरनाक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। जी हाँ, समुद्र से उसने मिसाइल दाग दी है। पावर समझने के लिए बस इतना समझ लीजिए कि इस मिसाइल की रेंज 10,000 किलोमीटर है, 10,000 किलोमीटर, और ये परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। भारत को झटके में झटका मालदीव दे रहा है। मालदीव की जो नई सरकार बनी, नए जो राष्ट्रपति बने, राष्ट्रपति बनने के बाद, शपथ ग्रहण करने के बाद 24 घंटे के अंदर भारत को उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया कि भाई जल्दी से जल्दी आप अपने भारतीय सैनिक मालदीव से निकालो। मालदीव और भारत के बीच लगभग 100 एग्रीमेंट हैं। अब वहाँ के राष्ट्रपति और वहाँ की सरकार उन एग्रीमेंट्स को दोबारा से पढ़ रही है। हो सकता है इनमें से कई सारे एग्रीमेंट को मालदीव रद्द कर दे। एक छोटा सा देश भारत को लाल आँख दिखा रहा है। बाकी आप समझ सकते हैं पनौती कौन है। मेरे दोस्तों, नॉर्थ वजीरिस्तान की तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच गोलीबारी हुई है। तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 3-4 ग्रुप मेंबर को गोली मारकर कत्ल कर दिया है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के तनाव अब बॉर्डर पर बढ़ने वाले हैं। जैसा पाकिस्तान कर रहा है वैसा ईरान भी कर रहा है। ईरान ने अगस्त के महीने से अब तक लगभग 4.5 लाख विदेशी माइग्रेंट्स को निकाल दिया है, जिसमें ज़्यादातर अफगानिस्तान के रेफ्यूजी शामिल हैं। नॉर्थ कोरिया चीन और रशिया के खिलाफ समुद्र में, हवा में और ज़मीन पर अब जापान ड्रिल कर रहा है, यानी सैन्य अभ्यास कर रहा है। दोस्तों दूसरी खबर ये देख लीजिए, म्यांमार से। आप जानते हैं म्यांमार का हाल कितना बुरा है। तो म्यांमार के 500 रोहिंग्या रेफ्यूजीज सीधा पहुंच गए हैं इंडोनेशिया, और ये इस महीने तीसरी या चौथी मर्तबा हुआ है। UNHRC और WHO की वहाँ संस्थाएं मौजूद हैं जो उनका दवा दारू कर रही हैं, लेकिन फिलहाल म्यांमार की स्थिति गंभीर होती जा रही है। उधर बात करें तुर्की की, तो तुर्की में इतना खतरनाक समुद्री तूफान आया कि एक बड़ा कार्गो शिप, देखिए कितनी भी मजबूत आप चीज़ बनाइए, अल्लाह की कुदरत अगर बिगड़ जाए ना तो तबाही मच जाती है। ऐसा तूफान आया कि बड़ा कार्गो शिप बीच से दो टुकड़े हो गया। देखिए वो मंजर। Şimdi dalga kırarlara rağmen oluşan şiddetli dalgalar geminin ortadan kayrılmasına, kırılmasına sebep oldu.
Evet, yarıldı gene, iki parça oldu. बात करें रशिया की तो रशिया यूक्रेन के डोनेस्क के इलाके पर क्लस्टर बॉम्ब दाग रहा है। ऐसा नहीं है कि यूक्रेन खामोश है। यूक्रेन ने रूस के इलाके में ड्रोन भेजा था हमला करने के लिए, लेकिन रशिया ने उन ड्रोन को मार गिराया। यूके के इंटेलिजेंस ने कहा है कि रशिया सोवियत संघ के M55 मॉडल के एयरक्राफ्ट कैरियर दोबारा से इस जंग में इस्तेमाल कर सकता है। फिनलैंड ने रशिया पर इल्ज़ाम लगाया है कि रशिया ज़बरदस्ती माइग्रेंट्स को हमारे देश में भेज रहा है उत्पात मचाने के लिए। फिलहाल के अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में इतना ही। रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, अपनी राय कॉमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद।